बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक नई रेसिपी और एक नए डेजर्ट के साथ आई हूँ। अब मीठा तो हर किसी को पसंद है, इसीलिए मीठे की एक नई बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई, लबे शीरीन की रेसिपी, जिनमें हम लोगों ने लबे शीरीन की बहुत ही आसान रेसिपी है। डेजर्ट बहुत ही आसान है और बहुत ही गज़ाइत है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फ्रूट्स यूज़ करेंगे और दूध इस्तेमाल होगा हमारे पास, सारे फ्रूट इस्तेमाल होंगे। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से यूज़ करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये हमने चीनी लिया है, ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये हमने लिए हैं, ये हमने सेवैयाँ लिए हैं। लबे शीरीन जो है उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें आप सेवैयाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कलरफुल सेवैयाँ। उसके बाद ये हमने लिया है सूखा दूध, ठीक है। इसमें दूध हमने अभी फ़िलहाल इसको मिक्स नहीं किया है, हमने ठंडे दूध के अंदर इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। और उसके बाद ये हमने कस्टर्ड लिया है, कस्टर्ड भी हमने ठंडे दूध में हमने मिक्स कर लिया ताकि इसमें भी लम्स ना बने। उसके बाद फिर गर्म दूध में ऐड करेंगे और बाकी हमारे जितने फ्रूट्स हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद है, जिसमें ये सेब के साथ हम लोग अंगूर लिया, अंगूर के साथ हमने केला लिया, और साथ आपने चीनी हसबे ज़ायका लेना है, जितनी चीनी आपको पसंद है उतनी चीनी आपने इस्तेमाल करनी है। चलिए आज हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो रेसिपी क्या है कि हमने 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर दूध को हमने इसको हल्का सा गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, ये इसमें इलायची पाउडर ऐड किया थोड़ा सा हमने। हमने 1 लीटर दूध इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने जो है वो पाउडर मिल्क भी ऐड करना है, तो पाउडर मिल्क जब ऐड करेंगे तो वो दूध खुद बहुत थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 लीटर के करीब आपके पास दूध बन जाएगा। अच्छा जी, हमने नीडो दूध जो है, नीडो पाउडर मिल्क यूज़ किया, इसके अंदर फैट्स होते हैं इसीलिए फिर हमें क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स जो हैं वो बिल्कुल ना बने। इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। हमारे जो नीटो है, हमने जो दूध हमने लिया था पाउडर मिल्क, वो हमने दूध के अंदर मिक्स कर लिया और इसके लम्स अब नहीं है बिल्कुल भी। अब जो है ये वाला जो पाउडर मिल्क है इसको हम लोग ऐड करेंगे। हमने क्रीम की जगह पे ये डाला, अगर आप क्रीम ऐड करना चाहें अपने लबे शीरीन में तो आप डाल सकते हैं। हम लोगों ने नीडो दूध, हम नीडो पाउडर मिल्क डालेंगे जो दूध का यूज़ किया हमने। साथ ही हमने चीनी लेनी है। हमारा दूध जो है वो काफ़ी हद तक हल्का गर्म हो गया है, और साथ हमने यहाँ पे पानी बॉयल रख दिया है जिसमें हम ऐड करेंगे अपनी जो सेवैयाँ हैं वो, इनको बॉयल करना है हमने। दूध हमारा जो है वो बॉयल हो गया है, इसके बाद हम लोगों ने चीनी हसबे ज़रूरत ऐड करनी है। चीनी बॉयल होने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपको जितनी चाहिए लबे शीरीन की, उतना ही कस्टर्ड ऐड करेंगे हम। ओके, हमारा जो दूध और चीनी जो है वो मिक्स हो गया है, तो हमने कस्टर्ड पाउडर जो था हमारा, जो हमने दूध के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना, ठीक है, ताकि इसके लम्स ना बने इसके अंदर। तो इसीलिए हमने कस्टर्ड पाउडर को आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम करके थोड़ा थोड़ा ऐड किया। इसकी कंसिस्टेंसी आपने ज़्यादा नहीं करनी, मीन के आपने इसको गाढ़ा ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब आप सब कुछ ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है। इसमें हमने अभी दूध भी ऐड करना है, इसलिए इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। ये हम जो पाउडर मिल्क था जो हमने बना के रखा हुआ था उसको हमने ऐड किया है। पानी हमारा जो है वो बॉयल हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे सेवैयाँ। ये हमने सिर्फ 1 और 2 मिनट के लिए सेवैयों को बॉयल करना है। सेवैयाँ आपकी ज़्यादा बॉयल नहीं होनी चाहिए अब, और सेवैयाँ बॉयल करने के बाद आपने इसको, इस सेवैयों को पानी से बाहर नहीं निकालना, नहीं तो सेवैयाँ हमारी जुड़ जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद जो है हमने ये जेली बनाई थी, टाइम कम होने की वजह से मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी जेली बहुत मज़े की बनी है। इसको आपने क्यूब्स में कट कर लें या जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप में कट कर लें।
बहुत ही मज़ेदार जाली बिल्कुल क्यूब्स में अच्छे से कट हुई है। ये जाली भी हमने लबे शीरी में यूज़ करनी है। ये हमारी सेवैयाँ जो है वो बॉयल हो गई हैं। इन सेवैयों को हमने अब ऐड करना है दूध के अंदर, जो हमारा साथ कस्टर्ड वाला जो दूध है वो तैयार हो रहा है। इसको हमने थोड़ी देर तक, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आपने उतनी ही रखनी है। हमारा जो दूध है वो हमने फिर कर लिया, कस्टर्ड हमारा बन गया। हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको बनाया, हाई फ्लेम पर नहीं बनाया। तो ये हमारी जी इस तरह से रेडी हो गया। अच्छा, ये हमने जो सेवैयाँ स्ट्रेन कर लिया, पानी हमने निकाल लिया और इन सेवैयों को हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे, और ठंडे होने के बाद फिर बाकी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ जो है 10-15 मिनट आपने वेट नहीं करना, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में उन्होंने फ़ौरन सर्व करना होता है, तो वो क्या करते हैं, एक परात लेकर पानी वाली कोई भी चीज़ लेकर पानी डाल के उसमें रख देते हैं, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देना है खुशबू के लिए। अच्छा, सेब हमने पहले काट लिए थे, सेब काले हो जाते हैं, तो सेब को कालेपन बचाने के लिए आप उसके ऊपर चीनी छिड़क दें तो वो कम काले होंगे। और उसके बाद इसमें अब हम डाल चले। अच्छा, जो हमने कस्टर्ड बनाया था सास गई हैं, तो वो आपने एक बाउल में ऐड कर लेनी है। ठीक है, एक बाउल में जितनी भी आती है उसमें ऐड कर लें। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर लें। ठीक है, इसके साथ आप ये वाले सेब जो है सारे ऐड करते जाएं साथ साथ। उसके बाद सेब हैं आपके, जितने भी फ्रूट्स हैं आपके वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें, डिफरेंट डेजर्ट है और ये आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। उसके बाद ये लास्ट वन बनाना। उसके अलावा अगर आप और भी कोई भी फ्रूट डालना चाहें मौसम के हिसाब से, जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। केला जो है आपने बिल्कुल कच्चा केला नहीं डालना, जो सही पका हुआ केला हो वो आपने केला ऐड करना है। हमने जो मिक्सचर था वो थिक नहीं किया था ज़्यादा, तो ये देखिए जब हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं तो ये खुद बखुद ही थिक हो गया। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मिक्सचर को ज़्यादा थिक नहीं करना बॉयल करते हुए। उसके बाद जी ये हमने जेली, आप डिफरेंट कलर की जेली यूज़ कर लें, वो जेली ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ रेड कलर की जेली को ऐड करना है। बहुत ही मज़े की जेली बनी है, ये देखिए क्यूब्स की फॉर्म में आपने जेली को ऐड कर देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जो है आफ्टर गार्निशिंग और डिश आउट करने के बाद हमारे लबे शीरीन, देखें आप इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। और हमारा लबे शीरी तैयार है, जो हमने डिश आउट करके इसको टोटली जिस तरह जिसकी एंडिंग इसको देनी थी हमने दे दी। और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। जज़ाकल्लाह खैरन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।